मित्रों नमस्कार, मैं मयंक त्रिपाठी नव ज्ञान ज्योतिष चैनल पर आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो में जानकारी देंगे, अगर आपकी मकर लग्न है या मकर राशि है और नौकरी की यदि आप तलाश कर रहे हो, नौकरी के कारण परेशान हो, तो वर्ष 2024 में नौकरी मिलने के योग कब कब बनेंगे और आपको कौन से उपाय करने चाहिए ताकि ये योग प्रबल हो और इजिली आपको नौकरी मिल सके। तो अगर आपकी मकर लग्न या मकर राशि है तो आपकी कुंडली में जो दशम भाव है ये आता है शुक्र देवता के अंतर्गत, यानी कि दशम भाव के जो स्वामी हैं ये शुक्र देवता हैं। और अगर आपकी शुक्र की महादशा अंतर्दशा चल रही है तो मान के चलिए वर्ष भर नौकरी मिल जाने के योग आपके कुंडली में बने हैं, आपको जॉब अपॉर्चुनिटीज मिल जाएंगी। अगर बाई बर्थ कुंडली मजबूत है तो आपको सरकारी नौकरी मिलेगी, अदरवाइज प्राइवेट जॉब की तरफ आपको रुख करना पड़ेगा। इसके अलावा अगर आपकी शनि की महादशा अंतर्दशा चल रही है तो भी नौकरी मिलने के सुंदर योग बने हुए हैं और मई 2024 तक गुरुदेव बृहस्पति की भी कृपा आपके ऊपर है। जॉब भाव पर अर्थात आपके दशम भाव पर गुरुदेव बृहस्पति दृष्टि डाले हुए हैं और नौकरी मिल जाने के, नौकरी में प्रमोशन हो जाने के, नौकरी में सैलरी बढ़वाने के योग बना करके गुरुदेव बृहस्पति आराम से बैठे हुए हैं, इसका आप लाभ ले सकते हो। लेकिन मान लिया आपकी कुंडली कमजोर है और उसमें सरकारी नौकरी का योग नहीं है तो उस योग को और कैसे पक्का आप करेंगे इसकी जानकारी दूंगा। लेकिन उससे पहले ये जान लीजिए, यह जो मैं गोचर फल बता रहा हूँ मकर वालों का, ये आप अपने लग्न कुंडली और चंद्र कुंडली दोनों पर लगा करके देख सकते हैं, कंफ्यूज मत होइएगा। अगर मान लिया आपको लग्न कुंडली नहीं पता है तो आप चंद्र कुंडली के अनुसार देखें, अगर चंद्र कुंडली लग्न कुंडली कुछ नहीं पता है तो अपने नाम के अनुसार भी इस फलादेश को समझ सकते हो। इसके अलावा कमेंट बॉक्स में अपने इष्ट देवता का नाम लिखना मत भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। तो अगर कुंडली में आपके कमजोर स्थिति है, दशम भाव कमजोर है, दशमेश शुक्र पाप कर्तृ योग में है, तो आप उपाय क्या करोगे? शुक्र देवता के मंत्रों का नियमित 108 बार पाठ करोगे, ओम शुम शुक्राय नमः। अगर सरकारी नौकरी चाहिए या प्राइवेट नौकरी चाहिए, कुछ भी चाहिए नौकरी से संबंधित, तो इनको आप मजबूत करोगे। और साथ ही साथ एक उपाय और भी आपको करना होगा, वो ये करना होगा कि प्रत्येक शनिवार को शनि देवता को खुश करना होगा। सरसों का तेल एक छोटी सी कटोरी में लीजिएगा, नजदीक में अगर शनि मंदिर है तो वहां जाकर के सूर्यास्त के बाद दिया जलाइएगा। अगर मान लिया शनि मंदिर आपके घर के आसपास नहीं है तो पीपल का पेड़ देख लीजिएगा, कोई पीपल का पेड़ हो, वहां पर भी संध्या काल में यदि आप ये दीपक जलाने की आदत डाल लोगे तो नौकरी के विषय में तो आप भाग्यशाली रहोगे ही रहोगे, साथ ही साथ आप कोई भी काम क्यों न करते हो निश्चित तौर पे दिन दूने रात चौगुनी तरक्की आपको होते हुए दिखाई पड़ेगी, आपको बैकफुट पर कभी भी नहीं आना पड़ेगा। कल मिलेंगे, मयंक त्रिपाठी को अनुमति दीजिए, नमस्कार।